अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटीडेट। आईटीडेट के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और जो आज हमारा यूट्यूब बेसिक कोर्स का लेक्चर है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के बाद उस पर थंबनेल लगा सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूंगी जो जो नए हमारे यूट्यूबर हजरात हैं, जैसे नया चैनल बनाते हैं तो उसके पास थंबनेल का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटीडेट पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो एंड तक देखना। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने YouTube पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी थंबनेल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद आपके पास वो वीडियो आ जाएगा जिसको आप इसका आप थंबनेल एडिट करना चाहते हैं। थ्री डॉट में जाना है, जाने के बाद एडिट वीडियो करना है। जैसे एडिट वीडियो करेंगे तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में पेंसिल का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कस्टम थंबनेल का ऑप्शन ओपन हुआ नहीं मिलेगा, उसे ओपन करने के लिए उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लर्न मोर पर क्लिक करना है। जैसे लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक मिनट में आपको बताता हूँ कैसे। अकाउंट इज़ वेरीफाइड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका यूट्यूब का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपसे नंबर पूछेगा कि भाई आप किस नंबर पर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इस नंबर पर चाहिए, जो मेरा कंट्री जो भी है पाकिस्तान है मैंने सेलेक्ट किया। अगर आपका जो भी कंट्री हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने अपना नंबर दिया और इसको मैं कह रहा हूँ कि मुझे गेट कोड मेरे पास आ जाए और मैं उसको वेरीफाई करूँ। ये मैसेज आ गया, ये कोड भी आप देख सकते हैं ऊपर से आ गया है। ये मैं अब कोड जैसे ही डायल करूँगा, एक मिनट, ये मैंने कोड सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो मेरा थंबनेल कस्टम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फिर मैं अपने वीडियो पर थंबनेल लगाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह वीडियो लगा सकते हैं। इसको क्लियर करके रीस्टार्ट करते हैं। अब स्टूडियो में हम आ गए। स्टूडियो में आने के बाद हम देखेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई हमारा थंबनेल का बटन ऑन हुआ या नहीं हुआ, फिर सारा प्रोसेस करेंगे। ये देख सकते हैं कि आप मेरा ये बटन ऑन हो गया। अब मैं ये कोई भी थंबनेल जो आप बनाना चाहें या बनाया हुआ वो आप रख सकते हैं। जिस तरह मैंने ऐसे ही रख दिया है, आप इस तरह रखते हैं। रखने के बाद आपने जस्ट सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो पर आपका थंबनेल आ जाएगा, आप जाकर फिर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप देख सकते हैं कि यह थंबनेल हमारे वीडियो पर ऑटोमेटिकली आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।